नमस्कार जी, ये देखिए भाई, स्वराज 744 एफी, क्या शानदार ट्रैक्टर है। और लुक वगैरह देखिए इसकी कितनी अच्छी है। और ये देखिए इसमें टायर जो है 616 के टायर है फ्रंट। और ये देखो इसकी रोड वगैरह कितनी ज़बरदस्त है भाइयों। ये 3 सिलेंडर के साथ है। और ये इसका सामने रेडिएटर वगैरह भी रखा हुआ, देखो एयर क्लीनर जिसका, क्या शानदार एयर क्लीनर है। ये देखो शो वगैरह इसकी, यहाँ से बुनट खुल जाता है इसका, ऐसे ऊपर से इसे ऊपर करो और ये बुनट खुल जाता है। 744 है भाई, 48 एचपी के अंदर आता था उस टाइम ये, अब तो उसकी एचपी बढ़ा रखी है। और ये देखो हेडलाइट दे रखी है इसमें सामने, और बम्पर वगैरह काफ़ी शानदार बना रखा है भाई। ये इसके यहाँ पर डीजल फिल्टर दे रखी है जी, ये सामने 2 डीजल फिल्टर दे रखे है इसमें। और ये देखो अंदर से जी घुमाऊदार इसका फ्रंट अच्छा लगता है भाई। और ये देखे क्लच वगैरह इसके काफ़ी शानदार गियर दे रखे है भाई उसमें। और ये डैशबोर्ड है इसके यहाँ पे, ये देखो डीजल टैंक। और ये 13 के टायर के साथ आता है भाइयों, सॉरी 14 के टायर है भाइयों इसके अंदर, 14/28 का टायर है इसके अंदर। और ये देखो मुरगाड़ वगैरह इसके, ये सीट है इसमें ज़बरदस्त। और ये लिफ्ट, ये पीटीओ का लीवर है यहाँ पर, ये टूल लोक दे रखे है जी हाई लो का। और ये गियर है यहाँ पर इस साइड, ये हैंड रेस दे रखे है। ये देखो जी यहाँ पर इसकी प्लेट लगी हुई है स्वराज की, ये इस पर सब कुछ लिखा है, मॉडल, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, सब कुछ लिखा है इसमें। काफ़ी शानदार बना रखा है यहाँ पर, ये पायदान है, ये सिंगल रोड के साथ है भैया। और ये देखो इस साइड भाई, यहाँ पर इसमें बैचिंग लगी है स्वराज की। ये देखो इस साइड पर सिलेंसर वगैरह काफ़ी अच्छा दे रखा है इसके अंदर भैया, अल्टीनेटर वगैरह, ये देखिए शानदार जी, काफ़ी शानदार है भैया। ये देखिए भाई ऊपर से इसकी शो वगैरह बिल्कुल अच्छी दे रखी है, ऊपर छत ले गई है इस पर भाई। नमस्कार जी। नमस्कार, एक बार अपना नाम बताओ जी। प्रेम पाल। अच्छा जी, ये आप कब से चला रहे स्वराज जी, कितने सालों से चला रहे जी? स्वराज तो मैं कम से कम 10-12 साल से चला रहा जी। तो स्वराज चला रहे जी आप? हाँ जी, महिंद्रा भी चला रहे, महिंद्रा भी चलाया, सोनाली का भी चलाया। अच्छा अच्छा, अन्य कई 2-3 कंपनी के ट्रैक्टर चलाए। अच्छा, 2-3 कंपनी के ट्रैक्टर चले। हाँ जी, तो इसमें स्वराज में अलग चीज़ क्या लगी जैसा आप चला रहे थे जी? अलग चीज़ तो ऐसी लगी है जी हमें भाई, बहुत बेहतरीन ट्रैक्टर है। अच्छा, जैसे कि? जैसे कि तेल के मामले में, तेल के मामले में बहुत अच्छा ट्रैक्टर है। अच्छा, तेल थोड़ा कम लेता है? कम लेवा। अच्छा जी, और जान लगाने में, लोड का खींचने में तो कोई ताकत वही नहीं, अंदाज नहीं है, नहीं पता भाई कितनी ताकत लगा दे। हाँ जी, इसे तो चलाने वाला चाहिए, कितने की वाला चाहिए जी, कितनी ताकत लगा, कितनी मर्जी ताकत लगा लो इसका। अच्छा अच्छा जी, इसका तो ड्राइवर बढ़िया तो बढ़िया बैठा दो, हल्के तड़का बैठा दो, वही कामयाब हो जा। अच्छा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना लोड खींचा जी आपने इससे? हम तो 200-200 क्विंटल वजन खींचा जी इसका। अच्छा, 200 क्विंटल वजन खींचा, 150-200। अच्छा जी, तो आपने टायर कितने जोड़े के साथ इसमें जी? इसमें 3 जोड़े के साथ दिए जी हमने। अच्छा, चौथा जोड़ा जी? चौथा जोड़ा पड़ रहा है। अच्छा अच्छा, 3 जोड़े खत्म कर दिए जी अगले के, तो कई जोड़ियां के साथ दिया हमने। अच्छा, अगले कहीं जोड़े जी, पिछले के साथ दिए 3 जी। हां जी, तो उस दिन से आपने अलग काम का क्या करवाया उसमें, जैसा आप चले जाए जी उस दिन से लिया आपने, कोई एक्स्ट्रा काम करवाया आपने इसमें? एक्स्ट्रा तो जी कुछ नहीं करवाया हम, तो सिर्फ सर्विस करा रहे, सर्विस करा रहे, चला रहे। अच्छा, वैसा कोई काम नहीं करवाया जी? और कोई काम नहीं कराया जी, करवाने की लोड ही नहीं पड़ती है जी, मेंटेनेंस बहुत कम है जी। अच्छा, मेंटेनेंस कम है जी इसका। हां जी। अच्छा, वैसा सब कुछ अच्छा लगा जी आपने इसका? मैं कह रहा जी टूट बहुत 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 कम है जी इसकी। अच्छा अच्छा जी, ज़्यादा टूट फूट नहीं है जी। अच्छा, वैसा आप बता रहे ट्रॉली वगैरह में चलाते हो उससे ज़्यादा? ट्रॉली वगैरह में ही चलाऊँगा जी। अच्छा अच्छा, और ट्रॉली के मामले में तो बहुत बेहतरीन ट्रैक्टर है जी, बेहतरीन ट्रैक्टर है जी। एक बार आवाज़ सुनाओ जी इसकी स्टार्ट करके। नमस्कार जी।